वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। 8 जून को लेकर प्रदेश की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए शहर काजी प्रयागराज मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी ने एक बयान जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की थी कि गाइडलाइन का पालन करें पर मस्जिद में अल्कोहल युक्त सैनिटाइज का इस्तेमाल ना करें। उनका ऑडियो वायरल होते हुए सीएफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कट्टरपंथी मुसलमानों का निशाना साधते हुए हमला किया। आइए पहले सुनाते हैं मौलाना का ऑडियो, फिर उसके बाद सुनाते हैं वसीम रिजवी का वह बयान जिसमें उन्होंने कट्टरपंथी मुसलमानों पर निशाना साधते हुए क्या कहा। मैं मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी, कादिय शहर प्रयागराज, तमाम मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि हुकूमत ने 8 जून से जो मसाजिद में के लिए गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल करें, लेकिन मसाजिद को अल्कोहल से हरगिज आलूदा न करें। इमाम और मुंतज़मीन मस्जिद से मैं पहली यह गुजारिश करूँगा कि रोज़ाना कम अज़ कम मस्जिद की धुलाई कराएँ और ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करें जो जरासीम खुश हों, और नमाज से पहले मस्जिदों में पोछे भी लगवा दें। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं मस्जिद में, ज़ाहिर है उनकी एक हद है जो मुकर्रर किया हुकूमत ने, उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि घर से जब चलें तो वज़ू करके चलें, घरों में सुन्नतें और नवाफिल अदा करें, मस्जिद में थोड़ी देर के लिए आएँ, और इमामों से गुजारिश ये है कि छोटी छोटी सूरतें नमाज पढ़ करके नमाज अदा करा दें, और फिर उन लोगों से कह दें कि जाकर अपने घर ही में सुन्नत और नवाफिल अदा करें। अब चूंकि 5 ही आदमी की इजाज़त है, इसलिए आम नमाजों में ये किया जाए कि मस्जिदों के जो मुतवल्लियान हैं वो कम से कम 2 और 3 इमामों को मुकर्रर कर दें। 5 आदमी जब नमाज पढ़ के चले जाए तो उसके 10-15 मिनट के बाद दूसरे इमाम को मुकर्रर कर दिया जाए, जो 5 आदमियों को नमाज पढ़ा दे, फिर तीसरे इमाम को मुकर्रर कर दिया जाए, फिर वो आकर के 5 आदमियों को नमाज पढ़ा दे। रह गया नमाज जुमा, तो दाई नमाज जुमा एक ही बार अदा की जा सकती है, शहरों में 2 बार जुमा की नमाज नहीं हो सकती है। तो जुमा के लिए हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ तादाद मस्जिदों के बड़ाई और छोटाई के अतबार से कुछ बढ़ा दे, ताकि मसलन बड़ी मस्जिदें हैं तो उनमें 25 आदमी को इजाज़त दे दिया जाए, छोटी मस्जिदें हैं तो उसमें 10 से 15 आदमियों तक की इजाज़त दे दिया जाए। और हम मुसलमानों से ये गुजारिश करेंगे कि लॉकडाउन को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि बिला ज़रूरत आप बाहर निकलें। जिस तरह अभी तक आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहे, 8 जून के बाद भी उसी तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिला ज़रूरत बाज़ार वग़ैरह में ना जाएँ, ना घूमें, ना टहलें। और ये भी गुजारिश करेंगे कि जो बच्चे कम उम्र हैं मसलन 10 साल से नीचे, वो हरगिज़ मस्जिद का रुख ना करें, या जो हमारे मोअम्मर लोग हैं या माजूर लोग हैं वो भी मस्जिदों की तरफ ना आए, वो भी अपने घरों ही में नमाज अदा करें। और मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को जल्द से जल्द इस वबा से निजात अता फरमाए, ताकि इबादत खाने फिर उसी तरह आबाद हो सकें जैसे कि पहले आबाद थे। कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी मस्जिद में अल्कोहल से बने सैनिटाइजर से अपने हाथ पैर साफ करके जा सकता है, बल्कि अगर किसी की जान जाने का खतरा हो तो किसी भी मस्जिद को अल्कोहल से साफ भी किया जा सकता है। अपने और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, अपने को साफ रखना जायज है। किसी भी केमिकल को पीकर नशा करना गुनाह है। अल्कोहल गंदा नहीं है। इंसानियत और देश के ऊपर धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी और जिहादी विचार गंदे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब